चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज इंक्रीजिंग लीनियरली विद टाइम टी एज वी टी। ठीक है, द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन विद एन इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट। द डिस्टेंस ट्रेवल बाई द पार्टिकल इन टाइम टी, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा। तो एज्यूम करते हैं कि ये ओरिजिन है, ओ क्या है ओरिजिन, यहाँ से ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर रहा है और एक्सेलरेशन की वैल्यू है बी टी के इक्वल, और इनिशियल वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी है वी नॉट। ठीक है ना, यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू बी टी है टाइम टी और इनिशियल वेलोसिटी है जीरो सॉरी वी नॉट है। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा टी टाइम में, मान लो ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है यहाँ से यहाँ तक एस, ठीक है टी टाइम में, टाइम लगा टी यहाँ से यहाँ तक का। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है बी टी। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, डी वी बाई डी टी, डी टी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो डी वी इज इक्वल टू बी टी इंटू डी टी हो जाएगा, और इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट हम यहाँ कर देते हैं। चलो इंटीग्रेट करते हैं बी टी डी टी, लिमिट क्या ले लेंगे हम, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट कह देते हैं, फाइनल वेलोसिटी वी कह देते हैं, टाइम कितना जीरो टू टी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा वी ब्रैकेट में अपर लिमिट वी नॉट कर देते हैं, ये वी नॉट, ये वी इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर बाई टू लिमिट जीरो टू टी, क्या हो जाएगा v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर बाई टू आएगा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस हाफ बी टी स्क्वायर। अब v को फिर से dx एक्स बाई डी टी कर देते हैं, या ds एस बाई डी टी कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा v नॉट प्लस हाफ बी टी स्क्वायर, और dt को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो उधर, dx एक्स इज इक्वल टू वी नॉट प्लस हाफ बी टी स्क्वायर इंटू dt। अब इसको फिर से इंटीग्रेट कर दो, ठीक है इंटीग्रेट कर दो, लिमिट ले लेंगे अभी dt, ठीक है लिमिट ले लेते हैं, s कर देते हैं, ठीक है और जीरो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जीरो है ना, ठीक है अगला वो कर देते हैं, ठीक है इसको जीरो कर देते हैं, इसको s कह देते हैं। तो क्या हो जाएगा s माइनस जीरो इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा जीरो टू t कर देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा v नॉट t प्लस वन बाई टू b t क्यूब बाई थ्री, और लिमिट ले लेंगे जीरो, तो जीरो टू t है तो यही आ जाएगा। तो s इज इक्वल टू क्या आ गया, तो यहाँ लिख देते हैं हम, s इज इक्वल टू फाइनली क्या आएगा v नॉट t प्लस वन बाई सिक्स, टू और थ्री सिक्स हो जाएगा, b t क्यूब ये हो जाएगा। ठीक है, v नॉट t प्लस हाफ हाफ नहीं सॉरी वन बाई सिक्स बी टी क्यूब, कौन सा ऑप्शन वन बाई सिक्स कहाँ है ये, लेकिन यहाँ टी क्यूब नहीं है, इसको टी क्यूब कर लेना एरर होगा, ठीक है टाइपिंग मिस्टेक है ये, बी टी का पावर थ्री होगा। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।